इसी बीच गेंदबाजी में विश्लेषण भारत आए हैं और यहां पे अगर आप देखें वही हीरोज के लिए एक बेहतरीन शुरुआत। समीर कोचर अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए। राजा भी अच्छा साथ देते हुए, एक विकेट ने खो दिया है और औसत अच्छी मुंबई हीरोज की। बढ़िया गेंद, नपितुली गेंद, एक रन मिलेगा। फिलहाल नीचे चलते हैं बाउंड्री साइड के पास जहां पे है साइरस और देखते हैं किससे वो बातचीत करेंगे। सस्पेंस का कमाल का माहौल है। एंड विद मी इज वत्सल। वत्सल, एक तो तुमने ये चश्मे पहनी है, मैं अपने आप को उसमें देख रहा हूँ। अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, ठीक है, विग ठीक लग रहा है। अच्छा वत्सल, टेल मी यार, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस गोइंग ऑन, वहाँ पे ड्रामा चल रहा है इस वक्त, यू बॉयज आर बैटिंग। Yes, we are batting first and we are very happy. First of all, I'd like to give a message to all the Gujaratis who are here. Thank you very much. Tame yahan aavya, amne bahu maja aavi ane aaje bahu aj majani game thase. Wah, wah, mere gulab. Achha, sun Vatsal, I want to ask you, kal log, tum log gaye the khana khane, Gujarati thali khai thi, hai na? Haan, Gujarati thali kha ke itna maza aaya, itna maza aaya. Aur what happened is that ke thali khane ke baad, sab ne ek dusre ko dekha aur sab ne bola, let's go to sleep. कल यार सारे लड़कों को देखना चाहिए था, थाली खाने के बाद चुपचाप ऐसे लग रहा था, मतलब वही ना कोई क्वाइट हॉरर फिल्म वाली सीन है, सब चुपचाप अपने कमरे जाके खत्म हो गए। यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट गुजराती थाली इज दैट देयर इज अ बिग थाली एंड देयर सम 20-30 कटोरीज एंड यू आर हैविंग समथिंग एंड दिस गाय कम्स एंड सेज सर ये दही, तो यू नो दिस गाय इज लाइक हां ये भी दे दो एंड यू अबाउट टू ईट दैट समथिंग एल्स कम्स। करेक्ट, ये होता है ना कि इतनी सारी चीजें आ रही है और ऐसा भी नहीं लगता कि कुछ लॉस हो जाए, तो सब कुछ ले आओ, सब कुछ ले आओ। आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन वत्सल, ये बता कि गुजराती थाली अगर तुम्हारी टीम होती तो ढोकला कौन होता? ढोकला होता अपूर्व लाखिया। व्हाई? यू गेस, बिकॉज़ ही इज द ढोकला। अच्छा ये बता, जलेबी कौन है? देखिए जलेबी को नॉर्थ इंडिया में पजल स्वीट बुलाते हैं क्योंकि घूमते रहती है, मीठी है लेकिन अजीब भी है, कौन है तुम्हारी जलेबी? आई थिंक हमारी टीम की जलेबी होगी वरुण बड़ोला। क्यों है वरुण बड़ोला जलेबी? लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट एट द एंड ऑफ द डे इज अ वेरी स्वीट एंड अनरी। क्या बात है, वरुण बड़ोला इज द जलेबी। अच्छा देखो गुजरात में क्या सीन है, कल भी मैं खाना खा रहा था, एक 7 फुट की मिर्ची होती है ना, बट बिल्कुल है ना ऐसे लगता है कि भाई मिर्ची गाड़ी में आ रही है, कोई बड़ी लंबी सी मिर्ची है, लेकिन हु इज द मिर्ची ऑफ द टीम, जो है बड़ी बट तीखी नहीं है? आई थिंक इफ आई कॉल द मिर्ची इज प्रॉब्ली Sohail bhai. When you look at him, when somebody does not know Sohail bhai, when you look at him you feel that oh god, you know, he's like don't mess with me, but he's the sweetest guy and he's the most calmest guy ever. Sohail bhai, and I'd have to say Mr. Vatsal bhai also one of the sweetest people I know. Back to the match at this point in time, thank you for talking brother. धन्यवाद सारस। और जी हाँ, यहाँ पे एक और छक्का लगता हुआ इस टूर्नामेंट का 105वां। समीर अब कोई भी मौका गवा नहीं रहे, 6 चौके 1 छक्का अभी तक इस इनिंग्स में लग चुका है मुंबई हीरोज की। और अब एक अच्छी शुरुआत, एक बार फिर ठोस शुरुआत, औसत पे नजर डाले तो लगभग 8 की, थोड़ा दबाव जरूर रहेगा अब चेन्नई रैना उसके गेंदबाजों के ऊपर। अच्छी चीजें सीधे बल्ले से खेल रहे, एक बार फिर स्ट्राइक करते हुए खिलाड़ी टीम में तैनात। अंतिम गेंद पे एक रन और मिलेगा, 6 ओवर की समाप्ति, 47 पे 1 मुंबई हीरोज। पे तो नहीं खेली अजय, पर इस विकेट पे अपने आप को प्लेन कर सकते हैं, तो आउट अगर आप हो तो सिर्फ आप अपनी गलती से हो, गेंदबाज आपको इन विकेटों पे तो आउट नहीं कर सकते, इतनी बेहतरीन विकेटें हैं। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, और उदाहरण के तौर पे देखिए कितना बढ़िया उछाल है, जब हम विकेट देख रहे थे अब ये लाल मिट्टी है, उछाल बढ़िया रहता है और ये किस प्रकार यहाँ पे कट किया। और हमने देखा जब भी भारत ने भी यहाँ टेस्ट मैच खेला है, में भी रिजल्ट मिला है कई दफ़ा फेवर में, कई दफ़ा अगेंस्ट, लेकिन अगर बल्लेबाज आप अच्छे हैं या अगर आपको लंबी पारी खेलने का शौक है, तो मुझे लगता है अहमदाबाद के अंदर आप फेल नहीं हो सकते। मुझे, मैंने हमेशा एंजॉय किया यहाँ पे खेलना और आज पहली बार इस मैदान के अंदर आई हूँ, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में हूँ, बट जिस तरीके की विकेट है, आई एम श्योर अजय आपको भी लग रहा होगा, इतने बढ़िया उछाल पे, इतनी बढ़िया जो बल्ले से साउंड आ रही है, अगर मौका मिले बल्लेबाजी करने का तो आप भी शायद नहीं छोड़ेंगे। और अंजन मुझे याद है मैं यहाँ पे आया था एक बार चैलेंजर सीरीज के लिए, जो कि एक बहुत बढ़िया वनडे टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट, और उसमें बहुत बड़े बड़े स्कोर बने थे, 300 रन भी लगभग चेज हो रहे थे सिंगल के साथ, 50 रन पूरे होते हुए मुंबई हीरोज के। यहाँ बहुत अच्छी बात करी आप, 300 रन चेज हो सकते हैं, और आज के मुकाबले में भी पहले ही अभी एक विकेट गिरी है, लेकिन जिस तरीके से स्कोरिंग पैटर्न दिख रहा है, चाहे हम इस गेंद के पास भी देखें, जानते थे कि
थर्ड मैन बाउंड्री पे है, हल्का सा डिफ्लेक्शन देंगे तो कम से कम एक रन हो जाएगा। बट इस मैदान में भी, इस मैच के अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि 150 160 एक सेफ टोटल नहीं है, और अगर आपके पास विकेट्स इन हैंड है और समय है तो कम से कम 180 190 के आसपास का एक आंकड़ा ज़रूर टारगेट करना चाहिए मुंबई को। और एक अच्छी टेस्टिंग ग्राउंड भी रहेगी मुंबई हीरोज़ के लिए, क्योंकि आमतौर पर अभी तक इस संस्करण में CCL के उन्होंने चेज बहुत बढ़िया किया है, पर आज टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार थोड़ी सी तालमेल में कमी नजर आई। समीर कुछ क्षणों के लिए रुके थे, उसके बाद रन पूरा करते हुए। बहुत जरूरी है कि सही तालमेल बिठाएं, अंडरस्टैंडिंग सही रखें, अन्यथा हानि हो सकती है। कुरैशी जो कि ब्रांड एम्बेसडर है मुंबई हीरोज़ की, वो भी आई हुई हैं। हालांकि अब दोनों ही टीमें प्रवेश कर चुकी हैं सेमीफाइनल में, कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहेंगी, कुछ सही कॉम्बिनेशन बिठाना चाहेंगी उस सेमीफाइनल से पहले जो कि अगले हफ्ते होगा हैदराबाद में। बन जा रे आया हूं। द बिग ब्रदर फाउंडेशन डोनेटिंग 1000 रुपीस फॉर एवरी रन स्कोर्ड इन CCL 2015। और कॉम्बिनेशन मुझे लगता है हर बल्लेबाज जो एटलीस्ट फिलहाल मुंबई हीरोज की टीम में है, शुरुआती के जो टॉप 3-4 बल्लेबाज हैं उनके पास एक अच्छा हिट आउट मिला है इस टूर्नामेंट के अंदर। तो अगर यहाँ से एक टारगेट भी बनाते हैं कि एक अच्छा विशाल टोटल सेट करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म में है, विकेट पे भी अच्छी गेंद निकल कर आ रही है, और यहाँ एक बढ़िया मौका है मुंबई हीरोज के पास एक बड़ा टारगेट बनाने का। 7 ओवर की समाप्ति, 56 एक विकेट के निशान पे। आप जो कि हीरो रहे थे पिछले मुकाबले में, बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी रांची में, इस बार उठा के खेला है, गेंद ऊंची जाती हुई तारामंडल में, और यहां पे क्या जबरदस्त कैच, क्या बढ़िया कैच, अद्भुत, एक ही शब्द कह सकते हैं अद्भुत। कभी भी आसान रहता नहीं, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब अपना संतुलन, जिन्होंने स्ट्राइक चेंज कर ली थी जब वो गेंद हवा में गई थी। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है साकिब सलीम, और यहाँ पे अब एक बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई, बहुत बड़ी सफलता दाद देनी होगी विक्रांत की। और शायद कहना चाहिए कई बार क्रिकेट में ऐसा लगता है ये जो विकेट होनी चाहिए ये फील्डर की होनी चाहिए। देखिए किस प्रकार कैच पकड़ा, जैसे अंजुम कह रही थी डीप मिड विकेट का फील्डर उनके आगे आ गया था, पर जजमेंट, क्या बढ़िया एंटिसिपेशन, क्या जजमेंट, और संतुलन बना के रखा। ऐसे कैचेस जितनी बार आप देखेंगे उतना मजा आता है। जी हाँ बिल्कुल, पिच टॉप डिलीवरी थी, जंप के लिए गए, मीट ऑफ द पैड से जरूर लगा, हल्का सा डायरेक्शन लॉन्ग ऑन की तरफ गया, पर विक्रांत के ऊपर देखिए नजर, बीच में एक और मिड विकेट से फील्डर आए, पर उनकी नजर फील्डर पे बिल्कुल नहीं गई, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, सिर्फ अपनी टारगेट पे थी, वो था कैच पकड़ना। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, अगर कहना हो कि CCL 5 का अभी तक का ये बेस्ट कैच है तो ये गलत नहीं होगा, टॉप क्लास एफर्ट। फिलहाल अब अपनी पहली गेंद का सामना करते हुए, और पहली गेंद पे अपना खाता खोला। ये विकेट ऐसी लग रही है अंजुम जहां पे जितना गेंद आप आगे डालेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप शॉट रखेंगे ज्यादा वक्त मिल रहा है बैट्समैन को स्ट्रोक खेलने का, और उसका ही लाभ उठाया था समीर ने जब वो क्रीज पे थे, सोहेल खान टीम ओनर मुंबई हीरोज के। और ये देखिए क्या बढ़िया टर्न आउट, एक बार फिर यही रोमांच है इस CCL के संस्करण का। ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक का CCL पावर्ड बाय पाले 2020 कुकीज, एक नए शहर में और एक नया जोश नजर आता हुआ। अंतिम गेंद पे एक रन और मिलेगा, 59 पे 2 मुंबई हीरोज। तक जरूरत पड़ी है चेन्नई राइनर्स को, बट टॉप क्लास फील्डिंग बैक करती हुई। पिछले मैच में अंजुम जो कप्तानी कर रहे थे चेन्नई राइनर्स के लिए जीवा, वो आज का मुकाबला नहीं खेल रहे। जीवा ने पिछले मुकाबले में 3 विकेट लिए थे, तो आज जब एक अलग कॉम्बिनेशन से उतरी है, कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया चेन्नई राइनर्स की टीम ने। अशोक अब ओबरे गेंदबाज पाली जी एंड से आते हुए, विकल्प काफी हैं गेंदबाजी में, और ये ताकत रही है चेन्नई राइनर्स की। और दूसरी तरफ अगर आप देखें मुंबई हीरोज की जो ताकत है वो है उनकी बैटिंग लाइनअप। साहब ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, अपूर्व लाखिया के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी जो पैड डाल के बैठे हुए हैं। समीर भी निराश होंगे जिस प्रकार आउट हुए, और जो कैच पकड़ा था, और यहाँ पे मिसफील्ड जिसके कारण रन मिलेंगे। अभी तक फील्डिंग का स्तर बहुत बढ़िया रहा था, और खासकर एक जो कैच पकड़ा था, पर इस दफा नहीं। आउटसाइड ही ऑप्शन थी, सिर्फ बल्ला उड़ाना था, टाइमिंग अच्छी, बट ओह काउंटर नहीं किया कि गेंद पढ़ के टर्न भी करेगी बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने।
ये चार रन सिर्फ इसीलिए नहीं है कि ये चार रन मुंबई हीरोज को मिले हैं, पर चार रन इसलिए भी क्योंकि शाकिब सलीम जो थोड़े बहुत दबाव में जरूर होंगे वो ऑफ द ब्लॉक्स हो गए चार रन प्राप्त करके। और ये बहुत बढ़िया पहल, एक 100 हार्ट्स इनिशिएटिव जो बहुत ही बढ़िया एक इनिशिएटिव है, जो कहीं ना कहीं अब छोटे बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन जिनको हार्ट की डिजीज होती है उनको अब ट्रीटमेंट मिलेगी, एक महान सोच और एक सही दिशा में। साकिब सलीम जब भी आप बैटिंग करते हैं और जो पिछली शॉट ने लगाई थी पॉइंट क्षेत्र में उदाहरण के तौर पे, ये दर्शाता है कि कितनी बढ़िया उनके पास टेक्निक है, इतना लीन करके खेलते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज नजर आते हैं क्रीज पे। और ये देखिए जो टर्न आउट हुआ इस मुकाबले के लिए, अपने फेवरेट स्टार्स को देखने के लिए आए हैं जो कि आज पर्दे पे नहीं पर ग्राउंड पे अपना प्रदर्शन करेंगे। रियल प्रदर्शन नॉट रियल प्रदर्शन, बट क्यों नहीं, जिस तरीके से बढ़िया बल्लेबाजी और गेंदबाजी इवन फील्डिंग देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि सभी दर्शक जो मैदान में हैं वो यही देख रहे होंगे कि मेहनत दोनों तरफ ये खिलाड़ी करते हुए। जब फिर से थोड़ी सी तालमेल में कमी और जब ओवरथ्रो हुई उसके कारण एक रन मिला, अब इसको थोड़ा सुधारना होगा क्योंकि अब ये जो आमतौर पर जो कॉल रहती है वो स्ट्राइकर की रहती है जब फ्रंट ऑफ द विकेट गेंद जाती है। कई बार एक बड़े मुकाबले में जैसे सेमीफाइनल है नॉकआउट स्टेज है अगर एक गलती ऐसी हो जाए और खासकर सेट बैट्समैन आउट हो जाए रनआउट के रूप में तो फिर मुश्किल बढ़ सकती है। बॉबी देओल जो कि अब कप्तान है मुंबई हीरोज के रिलैक्स करते हुए, पर रिलैक्स इसलिए कर रहे हैं उनको पता है कि अब जब फील्ड में आएंगे अब तो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है गेंद के साथ। लायों का अच्छा प्रयोग मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है और आसानी से दो रन और मिलेंगे तो 9 ओवर की समाप्ति 69 पे 2। राजा फिरवानी एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है यहाँ पर मुंबई हीरोज को, आउटसाइड फिर से छोड़ देते तो शायद वाइड स्टंप वाइड करार जरूर की जाती, बट जब आपके बल्ले पे अच्छी गेंद आ रही हो और आप चाहते हो अटैक करना तो कोशिश करते हैं कि हर एक बॉल को खेलें और हर एक बॉल को अटैक करें। बहुत ही बढ़िया माहौल नजर आ रहा है, काफी बढ़िया टर्न आउट, काफी तादाद में दर्शक आए हैं, आज छुट्टी का दिन है रविवार, कल 26 जनवरी एक लॉन्ग वीकेंड है और इससे बढ़िया क्या हो सकता है जब फिल्मी सितारे ग्राउंड पे उतरे और अपना हुनर दिखाए कुछ अब अलग फील्ड में। और क्या बढ़िया यहाँ पे कमिटमेंट नजर आ रही है चेन्नई राइनर्स से भी, एक ही अब शायद मिसफील्ड हुआ है अभी तक जो पॉइंट क्षेत्र में हुआ था उसके अगर आप छोड़ दें जो फील्डिंग का स्तर है काफी बढ़िया रहा है चेन्नई राइनर्स का, पूरा योगदान दिया है। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं @CCL, और कुछ भी आप के जहन में हो मन में आ रहा हो कुछ भी आप ट्वीट करना चाहें जरूर आप हमें ट्वीट करिए। दो की कॉल है पर अब मना करते हुए और बहुत ही सही निर्णय, साकिब जरूर डबल के लिए मुड़े थे बट बहुत ही डॉट फील्डर जानते थे कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे चांस हो सकता है क्योंकि राजा स्लाइटली स्लोअर थे शाकिब से, बट क्राउड अपनी आंखें साफ तौर पे ड्रेसिंग रूम की तरफ ज्यादा गड़ाए हुए क्योंकि मैदान के अंदर जरूर जो खेल हो रहा है लेकिन मैदान के बाहर जो स्टार्स बैठे हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान है। अंजुम आप भी ये खेल उस स्तर पे खेल चुकी है जब आप बाहर बैठे होते जैसे बॉबी जो कप्तानी कर रहे हैं मुंबई हीरोज की, मतलब ज़्यादा चिंताएं रहती हैं जब मैदान में होते हैं वार्म अप कर रहे हो चुके होते हैं तो शायद ही चिंता रहती नहीं, पर जब आप बाहर होते हैं और खासकर किसी खिलाड़ी को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखना चाहते हैं तो चिंताएं ज़्यादा होती हैं और फिर आप सोच विचार भी करते हैं कि अगर मैं होता उस स्थिति में कैसा खेलता या कैसा उभर के आता अपनी टीम के लिए, बाहर नर्व्स अलग प्रकार की रहती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो अजय, और इनफैक्ट वो सबसे पहले कहते हैं ना कि अगर आपको नर्व्स बाहर बैठ के होती है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले अंदर बल्लेबाजी करने चले जाइए या मैच उन दोनों के बीच में और कोई ख्याल और थॉट्स ना आए, यहाँ केवल खेल खेलिए। और वो बहुत महत्वपूर्ण है इस बार कट किया, एक बार फिर बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं स्क्वायर द विकेट, एक रन और मिलेगा राजा को ओवर की समाप्ति 10 ओवर के बाद 75 पे 2।